ट्रेन रेस्क्यू ट्रैक्टर बफेलो। मिर्जापुर नाम के गांव में बिरजू नाम का लड़का स्कूल में पढ़ता था। उस गांव में एक भैंस घूमती रहती थी। उस भैंस का नाम था बुलबुल। लोग उसे प्यार से केले खिलाते थे। वो स्कूल के पास जाती तो बिरजू और बाकी बच्चे भी उसे कई किस्म के फल खिलाते थे। बच्चे उस पर चढ़कर खेलते रहते थे। बच्चों को बुलबुल से बहुत प्यार था। उस एरिया में काले नाम का एक चोर रहता था। वो गांव-गांव जाकर वहां घूम रहे भैंसों को, खासकर बूढ़े भैंसों को, अपने ट्रैक्टर में चढ़ाकर उन्हें चोरी करके लेके जाता था। उन्हें कसाई को बेचकर पैसे कमाता था। बिज्जू के पिताजी का एक पंचर के दुकान था। वो हर रोज अपने दुकान के सामने सड़क पर एक कील की पट्टी को फेंक देता था। उन पर चढ़कर बाइक और स्कूटर के टायर पंचर हो जाते थे। उन्हें पंचर ठीक करके पैसे कमाता था। एक दिन बिजू साइकिल पर स्कूल जा रहा था कि उसे पिताजी का फेंका हुआ वो कीलों का पट्टी दिखाई दिया। थर, मेरे पिताजी इतना घटिया है, मैं नहीं जानता था, इन्हें सबक सिखाना होगा। यूं सोचकर उसने जानबूझकर अपने साइकिल को उस कील के ऊपर चढ़ाया। साइकिल पंचर हुआ तो वो दुकान पर आकर, पिताजी, किसी कमीना, कुत्ता, गधा, कंबक, बेवकूफ, पागल, पाजी, दगाबाज चोर ने इस कील को सड़क पर फेंका है, उसके कारण मेरे साइकिल पंक्चर हो गया। पिताजी, पता नहीं वो कमीना कौन है, पर वो कुत्ते का मौत मरेगा। अरे बेटा, इतने गाली मत दो, वो बेचारा कोई गलती से फेंक गया होगा। वैसे तुम इस तरफ क्यों आए? तुम्हें साइकिल देख के चलाना चाहिए था ना। तुम दूसरी सड़क से जा सकते थे ना स्कूल। पिताजी, ये नाटक छोड़ दो, उस कील के पट्टी को फेंकने वाले तुम ही हो, मैंने देखा। पैसों के लिए ऐसे नीच काम करना गलत है पिताजी, सारे गांव में सीसी कैमरा है, ये सोचना कि मुझे कोई देख नहीं रहा, ये गलत है पिताजी, ये मूर्खता होगी। पिताजी, लोगों को पता चल गया तो अपनी इज्जत जाएगी। अगर आप चाहो तो मैं स्कूल के बाद कोई काम ढूंढ लूंगा पिताजी, पर यूँ पैसे कमाना मुझे अच्छा नहीं लगता पिताजी, ऐसे पाप की कमाई हमें जरूरत नहीं है पिताजी, प्लीज, कहकर हाथ जोड़ा। ये बात सुनकर उसके पिताजी में काफी बदलाव आया। शाबाश बेटा, अगर मेरे पिताजी ने मुझे ऐसी नसीहत दी होती तो मैं ऐसा नहीं होता बेटा। अब से मैं ऐसा घटिया काम नहीं करूँगा बेटा, ईमानदारी से और मेहनत से काम करूँगा। अब से उन कीलों की पट्टी की हमें कोई जरूरत नहीं है, उसे ले जाकर कहीं गाँव के बाहर फेंक दो। तो बिज्जू उस पट्टी को लेकर खुशी खुशी वहां से चला गया। गांव में एक जगह वो ट्रैक्टर खड़ा था। उस ट्रैक्टर से एक फट्टे को जमीन तक बिछा कर काले ट्रैक्टर के ऊपर केले लेकर खड़ा था। काले बुलबुल को देखकर कहकर केले दिखा रहा था। बेचारी बुलबुल केले के लिए उस पट्टे पर चढ़कर ट्रैक्टर पर जाकर खड़ी हुई। काले उसे केले खिलाकर, शाबाश, तुम काफी तंदुरुस्त हो, अच्छा दाम मिलेगा, तुम्हें तुरंत ले जाकर कसाई को बेचना होगा, यहाँ ज्यादा देर रहे तो परेशानी है। इतने में दो बच्चे और एक बूढ़े वहाँ से गुजर रहे थे और उसे देखकर रुक गए। अरे तुम हो कौन? वो हमारी गांव की भैंस है, उसे कहाँ ले जा रहे हो? ए, चुपचाप जाओ यहाँ से, ये मेरी भैंस है, मेरी मर्जी, तुम टोकने वाले कौन हो? ए, वो बुलबुल है, हमें धोखा देना चाहते हो? चुपचाप उसे उतारो, ये हमारी बुलबुल है, उसे छोड़ दो। बेटा, बच्चे सच कह रहे हैं, वो तुम्हारी भैंस नहीं है, लगता है तुम्हें गलतफहमी हुई है, प्यार से समझाने से समझ में नहीं आता, कहकर लाठी देकर बूढ़े के सर पर मारा। बेचारा बूढ़ा नीचे गिर गया। वो ट्रैक्टर लेकर तेजी से जाने लगा। तब उस बच्चे ने बीजू को फोन किया और उसे सब कुछ बताया। ओके ओके, तुम लोग तुरंत जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाओ, कहकर फोन काटा तो उसने देखा कि दूर से ट्रैक्टर उसकी ओर आ रही थी। जैसे ही वो ट्रैक्टर उसके पास आ रहा था तो उसने अपने हाथ में रखे उस कीलों की पट्टी को सड़क पर फेंका। उस पर चढ़कर ट्रैक्टर चला गया। वो ट्रैक्टर कुछ दूर जाकर रेल की पटरी पर रुक गई। काले ने उतर कर देखा और, हे भगवान, ये तो पंक्चर हो गया, अब मैं क्या करूं? यूं सोचने लगा। तभी उसने देखा दूर से रेलगाड़ी आ रही थी। ट्रेन के ड्राइवर ने उसे दूर से देखकर सीटी बजाई। तभी बिजू और बाकी बच्चे वहां पहुंचे।
काले ट्रैक्टर को धकेलते हुए, ए भगवान ये भैंस मरी तो मरी, मुझे क्या, मेरा ट्रैक्टर खराब हो गया तो बस बहुत मुसीबत हो जाएगी, कहकर धकेलने की कोशिश करने लगा। सब बच्चे आए और ट्रैक्टर के पीछे खड़े हो गए। डियर फ्रेंड्स, अब बुलबुल को बचाने का समय आ गया है। एकता में शक्ति है, ऐसा कहा है ना लोगों ने, तो हम लोग अलग अलग धकेलेंगे तो इस ट्रैक्टर को धक्का नहीं दे पाएंगे, इसीलिए सब मिलके इसे धक्का देते हैं और साबित करते हैं कि एकता में बल है। कम ऑन, अपनी बुलबुल की रक्षा करते हैं। बस बच्चों ने जोर लगाकर उसे धक्का दिया। उसको धक्का देते हुए दम लगाकर हैसा, दम लगाकर हैसा कहकर उसे धक्का देने लगे। बस ट्रैक्टर पटरी से हट गई और रेल का वहाँ से गुजरना सब एक साथ हो गया। बाद में गांव वाले आकर बुलबुल को ट्रैक्टर से नीचे उतारा। पुलिस भी वहाँ पहुँच गई, काले को पकड़कर खूब मारा। क्यों रे कमीने, बेजुबान जानवर को बेचकर पैसे कमाते हो, इससे तो अच्छा ये था कि तुम रेल के नीचे आकर मर जाते, कमीने कहकर उसे बहुत मारने लगा। अरे बापरे बापरे, मुझे ना मारे सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, आज इन बच्चों ने सिर्फ बुलबुल को नहीं मेरे ट्रैक्टर को भी बचाया सर, यही मेरी कमाई है सर, आज से मैं कोई अच्छा काम करके ईमानदारी की जिंदगी जीऊंगा सर, मेरा यकीन कीजिए सर, कहकर विनती करने लगा। उस दिन से बिज्जू और उसके दोस्त बुलबुल के पीठ पर बैठकर आराम से घूमने लगे।